अगर आपके पास भी बैंक खाता है और वह आपने SBI बैंक में खुलवा रखा है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा रखा है, तो आप बता दें कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि SBI की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम के अंतर्गत आप ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं। अब यह फ़ायदा आपको किस प्रकार से मिलेगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। कैसे यह फ़ायदा मिलने वाला है और किसे यह फ़ायदा मिलने वाला है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बस आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, यानी कि SBI में, तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हाँ, SBI की तरफ से ज़्यादा ब्याज वाली FD स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसके अंतर्गत 15 अगस्त तक निवेश करना था। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि SBI ने अपनी स्पेशल FD स्कीम, जो स्कीम का नाम है वह अमृत कलश, जी हाँ अमृत कलश की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अगर आप भी अमृत कलश से जुड़े हुए हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर आप अमृत कलश योजना से जुड़ना चाहते हैं तब भी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बता दें कि SBI की वेबसाइट के अनुसार 400 दिन वाली इस स्पेशल FD स्कीम में नियमित ग्राहकों को 7.1% और सीनियर सिटीजन को 7.6% की दर से ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि SBI अमृत कलश में निवेश करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के अंतर्गत आप 15 अगस्त 2023 तक FD करनी थी, कर सकते थे, लेकिन दोस्तों बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 400 दिन वाली अमृत कलश स्पेशल FD स्कीम में 12 अप्रैल से, यानी कि 12 अप्रैल 2023 से 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको FD कराना होगा। अगर आप पहले से FD कराए हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को 7.60% की दर से ब्याज मिलता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि जो यहाँ पर अमृत कलश योजना है इसमें किस प्रकार से क्या लाभ है, यानी का क्या फ़ायदा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले बता दें आपको कि SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार FD यानी कि इस FD स्कीम में NRI में निवेश कर सकते हैं। स्पेशल FD स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को ब्याज का पैसा FD मैच्योर होने पर ही दिया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर अमृत कलश योजना चलाई गई है उसकी जानकारी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, NRI में आप निवेश कर सकते हैं। स्पेशल FD स्कीम के तहत लाभार्थी को इसमें ब्याज का FD यानी कि FD मैच्योर होने पर ही पैसा मिलता है और खाते पर बनने वाली ब्याज की राशि को दोस्तों TDS काट कर आपके खाते में जमा किया जाता है। अगर आप भी इस SBI की स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर, यानी कि SBI बैंक में जाकर संपर्क करना होगा, जहाँ पर दोस्तों आप FD करा पाएंगे और ज़बरदस्त लाभ ले पाएंगे। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, या फिर आपका SBI बैंक में खाता नहीं है, आपका कोई दूसरा बैंक में खाता है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, या फिर दोस्तों कोई दूसरा आपका बैंक है, कैनरा बैंक है, या फिर अदर कोई बैंक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बैंक का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आप अपने बैंक से किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कितना ब्याज आपके बैंक में FD पर दिया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।